आइए सुनते हैं ट्रिपल आर की कहानी, क्या होता है आगे। तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा रही फिल्म ट्रिपल आर आज अपने तीसरे हफ्ते में शानदार एंट्री मार चुकी है। और आज दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं वो काफी शानदार है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया से अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर ली है और इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल पर लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितना हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी ट्रिपल आर का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे जूनियर एनटीआर और रामचरण के डाहट फैन से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंडियन सिनेमा के 40 और आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने पुष्पा राज वाले कैरेक्टर से हम सभी का दिल जीत लिया है। दोस्तों आज 8 अप्रैल को उनकी इस फिल्म से उनका एक और धमाकेदार पोस्टर रिवील कर दिया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फिल्म ट्रिपल आर के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। तो दोस्तों बताते चले आपको कि ट्रिपल आर जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 मार्च को लगभग 7,000 स्क्रीन पर इंडिया में और दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। एसएस राजामौली सर जो कि इससे पहले मगधीरा, बाहुबली, ईगा और कई सारी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, उनके डायरेक्शन में बनने वाली एक एपिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है ट्रिपल आर, जिसे कि इंडियन ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी और 223 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की। मैं दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में ये फिल्म 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी आसानी से पार कर चुकी थी। ऑडियंस में दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए इस तरह की एक्साइटमेंट देखने को मिली कि इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में बाहुबली 2, रोबोट 2.0 और इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है और अपने तीसरे हफ्ते भी इस फिल्म के सामने कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। हालांकि दोस्तों तेलुगु स्टेट में इस फिल्म के सामने वरुण तेज की फिल्म गाने रिलीज की गई है। वही दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म के सामने फंटास्टिक बिस्ट रिलीज की गई है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों से ट्रिपल आर को ना ही हिंदी में कोई कंपटीशन मिलने वाला है, ना ही दोस्तों तेलुगु स्टेट में गानी इस फिल्म के सामने कुछ खास कमाई करने वाली है।
और यही वजह है दोस्तों कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर आज अपने 15वें दिन भी काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की वजह से इस फिल्म की जो स्क्रीन से वो थोड़ी कम कर दी गई है और फिलहाल में दोस्तों ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,500 स्क्रीन्स और दुनिया भर में लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर चल रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते 730 करोड़ की कमाई करने वाली इस फिल्म के अपने दूसरे हफ्ते के जो कलेक्शंस थे वो भी काफी शानदार रहे और ये फिल्म 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और अपने शुरुआती 14 दिनों तक दुनिया भर से 1,008 करोड़ रुपए कमाए कर चुकी है। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में अभी तक कमा चुकी है 210 करोड़ रुपए। आज दोस्तों इस फिल्म का जो हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी लगभग 5 करोड़ रुपए का आ रहा है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 213 करोड़ रुपए का हिंदी में हो चुका होगा। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज 400 करोड़ रुपए की कमाई नेट बॉक्स ऑफिस पर कर रही है और तेलुगु सिनेमा की पहली 400 करोड़ की फिल्म बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा को मिलाकर भी 180 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का जो नेट बॉक्स है, ऑल इंडिया ग्रोस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। साथ ही साथ दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 185 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और ये फिल्म दुनिया भर से 1,008 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 14 दिनों में कर चुकी है। अब बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की, दोस्तों आज इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 3,20,00,000 रुपए की ऑल ओवर इंडिया से है, जिसमें दोस्तों 1 करोड़ रुपए की एडवांस इस फिल्म की सिर्फ हिंदी से है, 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस इस फिल्म की तेलुगु से है। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने 15वें दिन भी ऑल ओवर इंडिया में एक शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है और ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 14 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज अपने 15वें दिन लगभग 19 करोड़ की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1,027 करोड़ रुपए का दुनिया भर से हो चुका होगा और ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। दोस्तों इस हफ्ते भी इस फिल्म के सामने कोई नई फिल्म नहीं है, यही वजह है दोस्तों की उम्मीदें हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1,300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाए और दंगल और बाहुबली के बाद इंडियन सिनेमा की तीसरी 1,000 करोड़ की फिल्म बनी रहेगी। आपको दोस्तों क्या लगता है इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो कितना होगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।